हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुलिस पर फायरिंग, काश्तकार जख्मी। मंडार जुजापुरा गांव के निकट नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे दो युवकों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस घटना में पुलिस कर्मी तो गेहूं की फसल की ओट से बच गए, लेकिन पुलिस की सहायता के लिए आगे आए एक काश्तकार को गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया और उसे इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया। इधर दोनों युवकों को पुलिस ने बड़ी मशक्कत के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से पिस्तौल भी बरामद की। थाना अधिकारी कमलेश कुमार गहलोत ने बताया कि रविवार को सुबह वाछौल पटिया पर नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान मंडार की तरफ से एक लग्जरी कार आती दिखाई दी। हेड कांस्टेबल राजा राम, कांस्टेबल रंजीत सिंह, पवन कुमार व भजन लाल ने कार को रोक कर पूछताछ की। कार चालक ने रानीवाड़ा की तरफ जाने की बात की। पुलिस को शंका होने पर कार चालक से डिग्गी खोलने को बोला। इसी बीच अचानक कार चालक ने गाड़ी तोड़ दी। पुलिस ने पीछा किया, कार चालक माटासन गांव प्रवेश हुए। पुलिस की टोली लगातार पीछा किया, कार जुजापुर गांव की ओर निकलने लगे। कच्चा रास्ता होने के कारण कार को वहीं छोड़कर दोनों युवक पैदल ही भागने लगे। पुलिस ने भी पीछा किया। इसी बीच युवकों ने पुलिस जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस कर्मी गेहूं की फसल की ओट में चले गए। पुलिस का सहयोग करने वाला युवक वीना राम कोहली की जाक पर गोली लगी, वो घायल होकर गिर गया। पुलिस कर्मी ने घायल वीना राम को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस जवान लगातार युवकों को पीछा किया। दोनों युवकों को बड़ी मशक्कत से चारों तरफ घेर कर बड़ी मुश्किल से दोनों युवकों को पिस्तौल सहित पकड़ लिया। सूचना के बाद रेवदर पुलिस DSP नरेंद्र सिंह देवड़ा, थाना अधिकारी कमलेश कुमार गहलोत में जाप्ता दोनों आरोपियों को मंडार थाने लाया गया। गिरफ्तार आरोपियों के धोरीवन्ना निवासी ओम प्रकाश पुत्र लादू राम विश्नोई, जोधपुर निवासी राकेश पुत्र कालू राम विश्नोई रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से पिस्तौल, लग्जरी कार बरामद हुई। दो पुलिस जवानों ने अपनी बहादुरी दिखाई। हेड कांस्टेबल राजा राम, कांस्टेबल रंजीत सिंह, पवन कुमार, भजन लाल, इन चारों ने अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। जागरूक टीवी के लिए मंडार से अशरफ भाटी की रिपोर्ट।